विनोद चौधरी, आज एक्सरसाइज अपन 11.3 के लिए शुरू करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 11.3 का 12वां क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी के अंदर एडी है वो बीसी पे लंब है और एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू डीसी दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि एबीसी है वो समकोण त्रिभुज है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे उत्पत्ति के अंदर सबसे पहले अपन एक तो जो दिया हुआ वो लिख देते हैं कि ए डी स्क्वायर बराबर क्या है, बी डी गुणा में डी सी, ये है दिया हुआ। अब ये ए डी स्क्वायर कैसे बना है कि जब ए डी का गुणा ए डी से किया है तब ए डी स्क्वायर बना है, तो ए डी गुणा में ए डी, तो इधर क्या है बी डी गुणा में डी सी। अब ये गुणनफल कैसे है कि जब भुजाओं का अनुपात लिखा हुआ था और उसको वज्र गुणा करने के बाद ये इनका गुणा है, तो इनका अपन अनुपात में लिख देते हैं। तो ए डी के बट्टा में देखो इन दोनों में से एक ही साइड आ जाएगा, तो ये ए डी एक राइट साइड में चला जाएगा। जैसे ए डी के बट्टा में मैं लिख देता हूँ, ये ए डी यहीं पर है और इधर बट्टा में आ गया बी डी, और इस साइड में जो डी सी है वो एज इट इज पड़ा है और ये ए डी राइट साइड में चला गया, तो बट्टा में आ गया ए डी। तो ये जो भुजाओं का अनुपात मिला अपने को ए डी के बट्टा में बी डी और डी सी के बट्टा में ए डी। तो देखो ये दो त्रिभुज जो बने हुए हैं इसमें ए डी भुजा तो दोनों में कॉमन है और डी बिंदु पे 90 डिग्री का कोण है, तो अगर तीन भुजाओं का अनुपात बराबर आता तो ये दो त्रिभुज समरूप हो जाते और इनका नाम अपन इनके संगत अवयवों के हिसाब से लिख देते। लेकिन यहाँ पर जो अपने अनुपात में सिर्फ दो भुजाओं का, एक त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात के बराबर है, तो तीसरा इनकी भुजाओं के बीच बनने वाला कोण होना चाहिए अपने पास। तो कोण कौन सा है कि दोनों साइड में ये डी बिंदु पे कितना बना हुआ है 90 डिग्री का, इनकी भुजाएं कौन सी ए डी और बी डी। तो देखो ए डी, ये भुजा ए डी है और ये बी डी है, तो ये इस त्रिभुज की भुजा नहीं है, ये ए डी तो इस साइड में जो त्रिभुज बना हुआ है ए डी सी की भुजा है और बी डी है वो ए डी बी की भुजा है, ये अनुपात हो गया। फिर लिया गया डी सी, तो डी सी है वो ए डी सी की भुजा है बटा में ए डी, ए डी की बार कौन सी त्रिभुज की है ए डी बी की है, यानी ये दोनों त्रिभुज लिए गए हैं लेकिन इनका नाम है वो ए डी बी और ए डी सी, ऐसे संगत में नहीं बन रहे क्योंकि ए डी के बटा में बी डी आ रहा है, तो ये ए से शुरू है तो फिर ये बी से शुरू हो रहा है। तो दूसरा जो है इनके जो बीच का कोण कौन सा बनेगा कि जो डी बिंदु पे कोण बना हुआ है वो कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये वो दिया हुआ है, ये डी बिंदु वाला कोण आपको 90 डिग्री का दिया हुआ है। तो इन भुजाओं के अनुपात के अनुसार कौन कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, देखो ए डी के बट्टा में बी डी है तो एक तो त्रिभुज हो गया ए डी, देखो ऊपर वाली दोनों भुजा है वो एक ही त्रिभुज की और ये नीचे वाले दोनों भुजा है वो एक ही त्रिभुज की, यानी बी डी ए की भुजा है, ये तो बी डी ए त्रिभुज की भुजा और ये ए डी सी की है, ये ए डी सी की भुजा है, तो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा ए डी और ये बी डी दूसरी साइड वाले त्रिभुज की है, तो ए डी और कौन सा हो जाएगा सी, ये किसके समरूप हो जाएगा बी डी और ए के, बी डी ए के समरूप हो जाएगा। कौन से रूल से होगा, ये दो भुजाओं का अनुपात था और उनके बीच का कोण था, तो ये ऐसे अस रूल से, यहाँ देखिए इनकी जो भुजाएं थी उसके अनुसार आप इन त्रिभुजों को दोबारा एक बार चेक कर लीजिए, ए डी सी है तो ए डी के बट्टा में बी डी है और फिर डी सी के बट्टा में ये ए डी या डी है, लेकिन आप इसको अगर ए डी लिख देते हो तो ए डी लिखने से जो यहाँ पे कोण बनेगा वो दोनों में बीच में ए बिंदु आ जाएगा, तो इधर तो डी पे कोण न पाएगा इधर फिर ए पे हो जाएगा, इसलिए इसका नाम बी डी ए देना पड़ेगा। तो ए डी के बट्टा में बी डी अनुपात सही है और डी सी के बट्टा में ये ए डी या डी है और दोनों में डी बिंदु पर कितने का कोण बना हुआ है 90 डिग्री का, तो इस कोण का नाम आप ए डी सी और बी डी ए भी लिख सकते हो। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप, कौन कौन से ए डी सी, ट्रिक से याद रख लीजिए, ये ए डी सी ये इधर से है तो ये बी डी ए, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं। समरूप होने से इनके जो संगत भाग है तो संगत कोण इनके बराबर होंगे, सी पी एस टी, भुजाओं का अनुपात तो है ही इनका बराबर। अब जो कोण है वो कौन से कोण, क्योंकि अपने को 90 डिग्री लेकर आना है कोण इसको समकोण त्रिभुज करने के लिए, तो सी पी एस टी रूल से देखिए कोण ए डी सी का, ए डी सी का ये जैसे कोण नंबर एक है तो इधर बी डी ए नाम आ रहा है, तो बी बिंदु वाला ये कोण है, एक कोण है वो दो के बराबर हो गया, कोण एक के बराबर कोण हो गया दो, ये समीकरण नंबर एक हो गई। और फिर सी बिंदु वाला, सी बिंदु वाले का नाम अपन तीन नंबर दे देते हैं तो ये कोण हो जाएगा चार नंबर, तो तीन के बराबर कौन सा कोण है चार, तो कोण तीन के बराबर है कोण चार, ये समीकरण नंबर हो गई दो। अब एक के बराबर ये दो हो गया, तीन के बराबर ये चार हो गया। अब अपने को
त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज करना है तो त्रिभुज एबीसी के अंदर, एबीसी के अंदर तीनों कोणों का जोड़ लिखते हैं, कोण ए बी और सी का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री है। अब एक की जगह अपन एक प्लस चार लिख सकते हैं क्योंकि ये दो कोणों का जोड़ है, तो एक प्लस चार। बी की जगह कौन सा कोण है, ये दो नंबर कोण है, और सी की जगह कौन सा कोण है, ये तीन नंबर है, बराबर कितना 180 डिग्री हो गया। अब अपने को जैसे एक और चार का जोड़ अगर आप 90 डिग्री कर दो तो ये कौन सा हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो एक और चार को तो आप एज इट इज रखिए, कोण एक प्लस कोण चार प्लस दो का रिप्लेसमेंट समीकरण नंबर एक से किससे कर दीजिएगा, एक से, और कोण तीन का जो रिप्लेसमेंट है वो समीकरण नंबर दो से किससे कर दीजिएगा, चार से, बराबर 180 डिग्री। तो कोण एक भी दो बार हो गया, तो दो कोण एक प्लस दो कोण चार भी दो बार है, बराबर 180 डिग्री। दो कोमन आ गया है तो कोण एक प्लस कोण चार बराबर 180 डिग्री। दो को इधर अपन राइट साइड में भेजेंगे तो एक प्लस चार का जो जोड़ है वो 180 बटा दो कितना आ गया है 90 डिग्री, और कोण एक प्लस चार, एक और चार किसकी जगह है, ये एक ही जगह है, ये कितना है 90 डिग्री। कोण एक का मान 90 डिग्री होने का मतलब त्रिभुज एबीसी का कोण एक 90 डिग्री का है, तो अतः त्रिभुज एबीसी कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये ऐसा क्वेश्चन है, छह नंबर में भी पूछ सकता है, बाकी तीन के लिए तो मोस्ट क्वेश्चन है।